नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी आपका स्वागत करता हूं स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में। नज़र सबसे पहले आज के सुर्खियों पर। 45 दिन में दर्ज मरीजों की सबसे कम संख्या। वीकेंड लॉकडाउन से शहर में शांति छाई। कनबरगी खेतों में किसानों ने हरे धनिया की खेती नष्ट कर दी। 60 साल में भ्रष्टाचार मुक्त और कर्तव्य दक्ष प्रशासन। रमेश जारकीहोली की गिरफ्तारी की मांग। कारतगा कोविड सेंटर से 2 कोरोना मुक्त। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड 19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 08312435777 और 8884121718। अब समाचार विस्तार से। देश धीरे धीरे कोरोना वायरस के प्रकोप की दूसरी लहर से उबर रहा है और मरीजों की संख्या में दिन ब दिन गिरावट आ रही है। पिछले 45 दिनों में शनिवार को सबसे कम मरीज दर्ज किए गए। देश में पिछले 24 घंटे में 173,790 नए मरीज मिले। यह 45 दिनों में सबसे निचला स्तर है। इन नए मरीजों की वजह से देश में अब तक मरीजों की संख्या 2,77,29,247 पहुंच गई है। निदान दर 10% या 8.37% से नीचे है। दिन भर में हुई 3,617 मौतों से मरने वालों की कुल संख्या 3,22,512 पहुंच गई है। वीकेंड लॉकडाउन से शहर में शांति छाई। रविवार को शहर में एक बार फिर शांतिपूर्ण माहौल देखने को मिला, जहां लेन देन अवकाश के रूप में शुरू हुआ। सप्ताहांत के लॉकडाउन के कारण रविवार का बाजार और समग्र लेन देन ठप हो गया। इसके चलते शहर में कोहराम मच गया। प्रशासन द्वारा घोषित लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया गया। शहर के ऐसे प्रमुख मार्गों पर बैरिकेड्स लगाए गए और यातायात को अन्य लेन की ओर मोड़ दिया गया। इस दौरान सभी लेन देन ठप हो गए हैं और कारोबार ठप हो गया है। वीकेंड लॉकडाउन की पृष्ठभूमि में बेलगाम शहर और उपनगरों की सड़कों पर रविवार सुबह से ही सन्नाटा छाया हुआ था। विभिन्न स्थानों पर पुलिस तैनात थी। मुख्य चौराहों पर आने जाने वाले वाहन मालिकों से गहन पूछताछ की जा रही है। बिना वजह सड़क पर आने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। बेलगाम जिले में कोरोना पीड़ितों की संख्या बढ़ती जा रही है। जिले की विकट स्थिति को देखते हुए जिला कलेक्टर ने दूसरे सप्ताह के अंत में तालाबंदी की घोषणा की है। कलेक्टर और पुलिस आयुक्त ने चेतावनी दी थी कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसी के तहत विभिन्न जगहों पर कार्रवाई की गई है। कनबरगी खेतों में किसानों ने हरे धनिया की खेती नष्ट कर दी। कोरोना के दिनों में बाजार फिलहाल बंद है, इसलिए रोजाना सब्जी लाने वाले किसानों का हाल बदहाल है। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ हरे धनिया की कोई कीमत नहीं रही है। कनबरगी खेत में हरी धनिया की खेती पर ट्रैक्टर चलाकर किसानों ने अपना दुख प्रकट किया। इससे किसानों में जबरदस्त आक्रोश है। दिन रात खेत में उगाई गई फसल का बाजार तक पहुंचना संभव नहीं है, इसलिए किसानों के सामने उस फसल का क्या किया जाए, ऐसा सवाल खड़ा हो गया है। इसके साथ ही किसानों के लिए खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चलाने का समय आ गया है, इसलिए किसान इस बात पर भी चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि लॉकडाउन कब खत्म होगा और दैनिक लेन देन कब शुरू होगा। इस संकट में किसान फंसे हुए है। 7 साल में भ्रष्टाचार मुक्त और कर्तव्य दक्ष प्रशासन। पिछले 7 वर्षों में देश में भ्रष्टाचार मुक्त और कर्तव्य परायण प्रशासन देने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, ऐसा भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता एमबी जिरली ने कहा। रविवार को 30 मई को केंद्र में भाजपा सरकार का दूसरा कार्यकाल समाप्त हो रहा है। इसी उपलक्ष्य में बेलगाम में भाजपा कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए जिरली ने रविवार को ये बात कही। इस अवसर को यादगार बनाने के लिए सामाजिक कार्य हाथ में लिए जाएंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से मास्क बांटने, कोविड मरीजों को अस्पताल में भर्ती करने, उन्हें भोजन और दवा बांटने और कोविड मरीजों के बच्चों की स्कूल फीस देने की अपील की है। इस अवसर पर सांसद मंगला अंगड़ी ने कहा कि कोरोना जैसे संकट के चलते मोदी सरकार ने देश के हित में कार्य किया है, इसके लिए सभी को जनसेवा का कार्य करना चाहिए। इसी तरह पार्टी के वरिष्ठों ने हर कार्यकर्ता को गांव जाकर सामाजिक कार्य करने का निर्देश दिया है। प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा महानगर जिलाध्यक्ष शशिकांत पाटिल, शरद पाटिल आदि मौजूद रहे। रमेश जारकीहोली की गिरफ्तारी की मांग।
पूर्व पालक मंत्री रमेश जारकीहोली के आपत्तिजनक अश्लील सीडी मामले ने अब एक अलग मोड़ ले लिया है। बीजेपी विधायक रमेश जारकीहोली के नए बयान से विपक्ष को अब एक और अहम मुद्दा मिल गया है। हालांकि जारकीहोली ने जांचकर्ताओं को बताया कि यह आपसी सहमति से बनाया गया शारीरिक संबंध था। इसके तुरंत बाद विपक्ष के नेता सिद्धरामैया और राज्य कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने आपत्तिजनक सीडी मामले में पूर्व मंत्री रमेश जारकीहोली की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। सीडी मामले का पर्दाफाश हुए 3 महीने हो चुके हैं। गृह मंत्री बसवराज बोम्मई ने आश्वासन दिया था कि सरकार पूर्व मंत्री के खिलाफ मामला दर्ज करेगी, लेकिन आरोपी खुलेआम घूम रहा है। संबंधित पीड़ित महिला ने एसआईटी में शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेस नेताओं ने पुलिस से जारकीहोली को तुरंत गिरफ्तार करने का आग्रह किया है। कारतगा कोविड सेंटर से 2 मरीज कोरोना मुक्त। इस समय ग्रामीण इलाकों में कोरोना बीमारी का बड़ा प्रकोप है। यह समस्या दूर करने के लिए कारतगा में कोरोना सेंटर निर्माण किया गया है। यहाँ से 2 मरीज कोरोना मुक्त होकर वापस अपने घर चले गए हैं। मेडिकल टीम के नियोजित प्रयासों से मरीज ठीक हो रहे हैं। यह केंद्र आशा की किरण बन गया है। यहाँ फिलहाल 9 लोगों का इलाज चल रहा है। उनमें से एक बोरगावाड़ी से और एक मनकापुर से सुरक्षित घर भेज दिया गया। नवनाथ तेली और आदेश कुलकर्णी ने गुलाब दिए और दर्शकों ने फूलों से स्वागत किया। इस बुलेटिन के अगले समाचार छोटे से ब्रेक के बाद। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड 19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831-243577 और 8884-121718। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। कोरोना के इस दौर में नागरिकों को असंख्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना मृत्यु पर अंतिम संस्कार भी कोरोना मरीजों की सेवा की एक बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसे समय में समाज सेवी संस्थाएं भी बिना कोई बवाल किए काम कर रही है। सेवा फाउंडेशन एक ऐसा संगठन है जिसने सामाजिक कार्यों का भार उठाया है। शिव बसव नगर में आर्यन शेट्टी कॉलेज के पास एक बुजुर्ग की भूख से मौत हो गई थी। सेवा फाउंडेशन ने इस पर ध्यान दिया और माल मारुति पुलिस स्टेशन से संपर्क किया। फिर पुलिस की मदद से प्रक्रिया पूरी की गई और शवों को सिविल अस्पताल ले जाया गया। अगले विधि के लिए भी कदम उठाए। रोटरी क्लब ऑफ दर्पण संस्था की ओर से अनाज का वितरण। रोटरी क्लब ऑफ बेलगाम दर्पण संस्था ने मजदूर वर्ग को खाद्य सामग्री और भोजन वितरित किया। लॉकडाउन ने श्रमिकों को उनकी आजीविका के साधन से वंचित कर दिया है। क्लब ने उन्हें खाद्य सामग्री प्रदान की। मजदूर वर्ग ने इस कदम की सराहना की। क्लब के अध्यक्ष शीतल चिलमी, सचिव सौम्या पाटिल और दर्पण सदस्य आशा पाटिल, पुष्पा पर्वतराव, डॉक्टर स्फूर्ति मास्तिओली, रक्षा उपाध्याय, नवरत्न यादल आदि उपस्थित थे। कोरोना में अनाथों के लिए प्रधानमंत्री कोष से आर्थिक सहायता। कोरोना आपत्ति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहल की है और अनाथों के लिए पीएम केयर फंड से 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की है। कोरोना संकट ने हजारों बच्चों को अनाथ कर दिया। कुछ ने एक माता या पिता को खो दिया है, जबकि अन्य ने माता पिता दोनों को खो दिया है। अब इन अनाथों की परवरिश और शिक्षा का बड़ा सवाल समाज के सामने है। इस पृष्ठभूमि में पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना शुरू की गई है, जिसके माध्यम से अनाथों को 10 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। बच्चे देश का भविष्य है, उनकी मदद के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एक समाज के तौर पर इन बच्चों की देखभाल करना और उनके भविष्य के लिए काम करना हमारा कर्तव्य है। आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त बीमा। जिन बच्चों के माता पिता या अभिभावकों की मृत्यु कोरोना के कारण हुई है, उन्हें 10 वर्ष की आयु के बाद मासिक वेतन का भुगतान किया जाएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय ने यह भी ऐलान किया है कि 23 साल की उम्र तक पहुंचने पर बच्चों को पीएम केयर फंड से 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। मराठा युवक मंडल होसूर से कोविड केंद्र को सहायता। सार्वजनिक शिवजयंती उत्सव और मराठा युवा मंडल होसूर ने महाराष्ट्र एकीकरण समिति के कोविड केंद्र को 11,000 रुपये का दान दिया। प्रशांत भातकांडे ने कहा, कोविड केंद्र के लिए महाराष्ट्र एकता समिति द्वारा किए गए कार्यों से हम प्रभावित हुए, जिसे जनभागीदारी से स्थापित किया गया था और हम आज वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे हैं।
शिवम शेलके, मदन बामने, दत्ता जाधव, बालू जोशी, अंकुश केसरकर, सागर पाटिल को मदद दी गई। इस अवसर पर बोर्ड के कार्यकर्ता ज्योतिबा शाहपुरकर, प्रशांत भातकांडे, सोमनाथ सैनुचे, अनिल मुदगेकर, अनंत भातकांडे, प्रताप भातकांडे उपस्थित थे। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए स्मार्ट प्लस।